क्या आपके घर की वॉल्स पे अंदर से डैम्पनेस यानी कि नमी दिखाई पड़ रही है और इसकी वजह से पेंट डैमेज हो रहा है, या फिर आप एक नया घर बना रहे हो और इस सिचुएशन को प्रिवेंट करना चाहते हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इन दोनों ही सिचुएशन का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ये डैम्पनेस की वजह से डैमेज वॉल को रिपेयर करने या फिर नई वॉल को डैम्पनेस से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है जिन्हें हम पॉइंट वाइज पर डिटेल में कंपेयर करेंगे। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर बने रहिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनीज के हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 है एशियन पेंट्स का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक एंड अवर प्रोडक्ट नंबर 2 इज इंडिगो पेंट्स का एक्वाशील्ड। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपको इन दोनों में से कौन सा और किस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वन बाय वन हम वो सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इसका ओवरव्यू। तो एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक की बात करें, ये इंटीरियर वॉल के प्लास्टर पे लगाया जाने वाला वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन है जो कि डैम्पनेस यानी कि नमी और दूसरे नंबर पे एफ्लोरेसेंस यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि सीमेंटिशियस सरफेस पे वो व्हाइट पाउडर लाइक अपीयरेंस आ जाता है ड्यू टू मॉइस्चर। पानी की वजह से जब पानी के कांटेक्ट में जब सीमेंटिशियस सरफेस आता है तब इस पे एफ्लोरेसेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये डैम्पनेस और एफ्लोरेसेंस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक सूखने के बाद एक स्मार्ट कोटिंग बन जाता है जिसमें से एयर तो पास हो सकती है, ब्रीदेबल कोटिंग, पर वाटर पास नहीं हो सकता। इंडिगो एक्वाशील्ड के बारे में बात करें तो ये भी एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है और सेम ये भी इंटीरियर वॉल के प्लास्टर पे लगाया जाने वाला वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और ये भी डैम्पनेस और एफ्लोरेसेंस को प्रिवेंट करता है। इंडिगो एक्वाशील्ड प्लास्टर के सभी पोर्स में पेनिट्रेट हो जाता है और इस तरह से ये वाटर इंग्रेस को रोकता है, पानी को अंदर नहीं घुसने देता, जिससे कि हमारा प्लास्टर्ड सरफेस वाटरप्रूफ बन जाता है। फिर ओवरव्यू के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के यूजेस के बारे में। तो एशियन पेंट्स का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक और इंडिगो एक्वाशील्ड ये दोनों के सेम यूज है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया ये इंटीरियर वॉल्स के प्लास्टर पे अप्लाई किया जाने वाला प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम डैम्पनेस एंड एफ्लोरेसेंस। चलिए यूजेस के बाद हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं इनके सभी प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। तो एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक की बात करें तो यहाँ पे फीचर नंबर 1 है 3 इयर्स ऑफ वारंटी। यहाँ पे हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है। एक बार हमने ये प्रोडक्ट ठीक से अप्लाई कर दिया तो 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इन टर्म्स ऑफ डैम्पनेस एंड एफ्लोरेसेंस। फीचर नंबर 2 है वाटरप्रूफिंग। ऑब्वियसली ये वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करता है पर इसकी और एक प्रॉपर्टी है, इट प्रोवाइड्स 4 बार्स ऑफ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर के अंदर जब पानी एंटर होता है ड्यू टू हैवी रेन और स्टॉर्म ये प्रेशर को भी झेल पाता है। इसके बारे में हालांकि हम आगे बात करेंगे इन कंक्लूडिंग रिमार्क कितना एफिशिएंट है। फीचर नंबर 3 है एंटी एफ्लोरेसेंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। एफ्लोरेसेंस यानी कि वो व्हाइट मटेरियल जो फॉर्म होता है सीमेंट सरफेस पे व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो ये यहाँ पे चीज नहीं होने वाली। फीचर नंबर 4 है हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। फीचर नंबर 5 हैसल फ्री एंड इजी टू यूज, बहुत ही आसान है ये इसे यूज करना। ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट आता है, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश इजीली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेनिट्रेटिव कोटिंग। इसे अप्लाई करने से पोरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जिसमें पोर्स होते हैं उसमें पानी कहीं से भी नहीं घुस पाएगा। और लास्ट फीचर है इसका एडहेशन। ये कोई भी सीमेंटिशियस सरफेस के साथ बहुत ही आसानी से बॉन्ड बना लेता है और इसके ऊपर पेंट करना भी बहुत आसान। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिगो एक्वाशील्ड के सभी परफॉर्मेंस के फीचर्स के बारे में। इसमें भी हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है। ये भी 4 बार्स तक का नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेजिस्ट कर पाता है ड्यू टू हैवी रेन और स्टॉर्म। ये क्या है कि प्रेशराइज्ड वाटर के अंदर इसमें पानी पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, मतलब कि इतना प्रेशर झेल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एफ्लोरेसेंस और लास्ट पॉइंट इसमें भी पेनिट्रेटिव कोटिंग है दैट सील्स द पोर्स प्रिवेंटिंग वाटर टू इंग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर पोर्स है तो इसमें ये कोटिंग लग जाने के बाद वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो एशियन पेंट्स के स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये 2 तरीके से अप्लाई हो सकता है। एक तो उन स्ट्रक्चर के लिए, उन वॉल्स के लिए जो कि डैम्पनेस की वजह से ऑलरेडी डैमेज्ड है, और दूसरा नई वॉल्स के लिए जिसपे हम डैम्पनेस और एफ्लोरेसेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये रिपेयर के लिए। अगर आपकी वॉल जो है वो डैम्पनेस से ऑलरेडी अफेक्टेड है तो इसे रिपेयर कैसे करें? तो फर्स्ट स्टेप है सरफेस प्रिपेरेशन, जहाँ पे आपको जो डैम्पनेस से अफेक्टेड एरिया है उसमें पुटी, पेंट सभी चीज निकाल देनी है। अप टिल प्लास्टर, सिर्फ प्लास्टर ही रहने देना है उस एरिया में। फिर उसके बाद हमारा एशियन पेंट्स का ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश पूरे सरफेस पे, प्लास्टर्ड सरफेस पे अप्लाई कर देना है और 6 से 8 घंटे तक हमें वेट करना है इसे सूखने के लिए। 6 से 8 घंटे बाद फिर से हमें इसके ऊपर दूसरा कोट लगाना है विदाउट डाइल्यूशन। इसमें भी हमें कोई कुछ पानी या फिर कोई भी चीज मिक्स नहीं करनी, पर ध्यान ये रखना है कि पहला कोट अगर हमने पैरेलल लगाया है सरफेस पे तो दूसरा कोट लगेगा इसके परपेंडिकुलर और फिर से 6 से 8 घंटे आपको वेट करना है। फिर इसके ऊपर एक स्मूथ फिनिश के लिए आपको कोई भी वॉल पुट्टी लगानी है और 4 से 6 घंटे इसे सूखने का वेट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा सैंड पेपर की मदद से इसको ठीक से घिस करके फिनिश कर देना। फिर इसके ऊपर आप कोई भी पेंट लगा सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें जहाँ पे आप नई वॉल्स पे अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली प्लास्टर्ड सरफेस पे यहाँ पे आपको विदाउट डाइल्यूशन या एशियन पेंट्स का जो कोटिंग है वो अप्लाई कर देना है और 6 से 8 घंटे तक वेट करना है इसे सूखने के लिए। एक ही कोट में आपका काम हो जाएगा। इसके ऊपर आपको मतलब वॉल पुट्टी लगानी है और 4 से 6 घंटे तक वेट करना है इसे सूखने के लिए। फिर इसे मतलब इसे भी आप सैंड पेपर से घिस करके फिनिश कर सकते हैं। एंड एट लास्ट यू कैन अप्लाई द पेंट। ये बहुत ही आसान है अप्लाई करना। ये हो गया इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर इंडिगो एक्वा शील्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये भी 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, एक तो फॉर रिपेयर और दूसरा है फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। तो न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये बहुत आसान है। इसमें 2 कोट्स लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल। दोनों के बीच 4 से 6 घंटे का इंटरवल रहेगा इसे सूखने के लिए। इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं करना। एक बार ये लग जाता है, सूख जाता है, उसके बाद डायरेक्टली आप इसके ऊपर पुट्टी लगा करके फिर से सूखने का वेट करके फिर इससे मतलब ग्रिड पेपर से सैंड पेपर से घिस करके फिनिश करके पेंट कर सकते। सेम प्रोसीजर है। रिपेयर की बात करें तो ग्रिड नंबर 180 से सबसे पहले तो जो भी डैम्पनेस वाला एरिया है उसको घिस देना है अंटिल इट कम्स टू प्लास्टर। डाइल्यूट किए बिना एक्वा शील्ड का एक कोट लगा देना है पूरा और फिर इसके ऊपर आप पुट्टी लगा करके उसे घिस करके उसके ऊपर पेंट कर सकते। पर याद रहे ठीक से इसे सूखने का टाइम देना हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन प्रोसेस भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में 1 लीटर और 4 लीटर के पैक्स में आराम से मिल जाएगा। अब लास्ट में आता है इन दोनों का कंक्लूडिंग रिमार्क। ये चीज आपके लिए मेन है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें इन दोनों में सेम थी, पर बेस्ड ऑन द कस्टमर रिव्यूज में आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स स्मार्टकेयर हाइड्रोलॉक आपको इस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए इफ यू आर डीलिंग विद डैम्पनेस और एफ्लोरेसेंस। अगर डैम्पनेस या फिर नमी या फिर एफ्लोरेसेंस दिखाई पड़ रहे हैं तो यू कैन रिपेयर विद दिस। पर अगर आपके वहां पे वाटर अंडर प्रेशर आ रहा है ड्यू टू हैवी रेन या फिर बेसमेंट में से आ रहा है, मतलब इन सच कंडीशन अगर प्रेशराइज्ड वाटर है तो इसमें आपको इंडिगो एक्वा शील्ड के साथ जाना है। तो बेस्ड ऑन द कस्टमर रिव्यूज दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।